गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आपकी क्लास टेंथ की एनसीईआरटी मैथ शुरू हो चुकी है। आज आप देखेंगे तीसरा पार्ट। पहला पार्ट में आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे कि प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धन पूर्णांक वगैरह वगैरह, ये सब देखा था। दूसरी क्लास में हमने आपको बताया था प्रमेयिका क्या होती है, एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट और पूरा सब कुछ बताया था। इन सब की लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना मिल जाएगी, पहली और दूसरा पार्ट की, उसे ज़रूर देख लेना, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ऊपर नंबर दिया गया, नहीं मिलता तो संपर्क करना, ठीक है? और हाँ, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग और मनोहर प्रकाशन की बुक के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है पहला अभ्यास का। ध्यान से देखना, 1.1 का है एनसीईआरटी के अनुसार और मनोहर प्रकाशन में 1 अभ्यास 1A है, ठीक है? तो आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो 1.1 है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6Q+1 या फिर 6Q+5, 6Q+3 के रूप का होता है, इसको सिद्ध करके दिखाओ। कैसे दिखाओगे? देखो, आपने अभी पढ़ा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसमें आपने पढ़ा था a=bq+r, ऐसे तो कुछ था ना? तो चलिए उसी के आधार पे ये भी होगा। आप लिखिए, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, नीचे हल लिखो, उसके बाद लिखो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखो लिखते चलो तभी मज़ा आएगा। धनात्मक पूर्णांक है तथा b=6 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आ रहा है उसके अनुसार यहाँ b की जगह पर 6 है, ठीक है? तो b=, हम इसे 6 मान लेंगे। इतना हो गया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से नीचे लिखो, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, भैया जब कोई a धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, b=6 हो जाएगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कुछ ऐसे बनेगा ना। आगे लिखो, जहाँ क्या है, जो r है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र में ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है ना? और आगे क्या होगा, इसका मान जो आप देखे हो b के बराबर, मतलब ये कहने का है कि जो r का मान है वो हमेशा b से छोटा होता है, यही ना, यानी भाजक जो है हमेशा शेषफल से छोटा होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ जो r का मान है वो 6 तक हो सकता है बस, उससे बड़ा या उससे मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिट है, निश्चित है, यहाँ पर 6 पहले से ऑलरेडी दिया है, जो कि हर जगह दिया था, ठीक? अब नीचे लिखो, बस मिल गया, आपका हो गया काम, नीचे लिखते चलो फटाफट। क्वेश्चन लिखो, आपका 1.1 का पहला है ये, लिखो अतः, अब इतना मिल ही गया, नीचे लिखो अतः r=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब डॉट डॉट नहीं, ओनली 6 तक, क्योंकि 6 ही बन रहा है ना मेन, ठीक है? को क्रमशः 5 तक ही लिखो, क्यों? देखो 6 भी लिख सकते हो, 5 तक ही लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो सिद्ध करके लाना 5 तक ही लाना, 6 नहीं लाना है। लिखो को क्रमशः किस में रखना है, जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मुख्य स्ट्रक्चर बना उसी में रखना है, फटाफट रखते चलो। चलो देखिए, अब आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा लेकिन हल पूरा दिखेगा स्टार्टिंग से, क्योंकि हल हमने यहीं से स्टार्ट किया था, पूरा दिख रहा है ना, अभी बाद में एक साथ दिखा देंगे। a=6Q+r में हम क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रखेंगे, चलो रखते हैं। देखो दोस्तों, अगर इसमें हम r का मान रख दें 0, तो आप जानते हो क्या आएगा, a=6Q आएगा, बस सिर्फ इतना आएगा ना। देखो, जो कि 2 से विभाज्य है, विभाज्य है कि नहीं, जो 6 से विभाज्य है अर्थात सम है, 6 से भी विभाज्य है ये, यानी कहने का मतलब ये विषम की बात कर रहा था, हमें सम से मतलब नहीं है, विषम से मतलब है। ये 2 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, यहाँ पर लिख लो, जो कि 2 से विभाज्य है अतः सम है, लिख लो, हो गया इतना। आगे लिखो, r=, अगर हम इसमें 1 रख दें तो क्या आएगा पता है आपको? लिखो a=, अगर 1 रखेंगे तो 6Q+1 आएगा, क्यों भाई, r की जगह पर 1 रखोगे तो 1 आएगा ना। आगे लिखो, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य,
नहीं है, अतः अभिसम है। नीचे लिख लो, जो कि दो से विभाज्य नहीं है अतः विषम है। जो बोल रहा हूँ उसको लिखना, जो कि दो से विभाज्य नहीं है अतः विषम है। आर बराबर अगर तीन रखोगे तो क्या आएगा, तीन नहीं पहले दो रखो तो सिक्स क्यू धन दो आएगा। लेकिन देखो ये विषम नहीं आया, सम आया है ना, तो लिखो जो कि दो से विभाज्य है अतः सम है। जो कि दो से विभाज्य है अतः सम है, जो कि दो से विभाज्य है अतः सम है। इतना हो गया, ओके। इतना लिख लिए हो तो क्वेश्चन में मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं सलूशन छोड़ के क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ध्यान दो। देखिए दोस्तों, हमें लिखना कहाँ तक है पता है, हमें पाँच तक मान रखना है। हमने नीचे दो तक रख लिया था जो कि सम धन पूर्णांक आया था, जब हम तीन रखेंगे आर का मान तो विषम धन पूर्णांक आएगा, समझ रहे हो ना। जब चार रखेंगे तो फिर धन सम पूर्णांक आएगा ना, सम पूर्णांक आएगा। और फिर ए का मान तो कुछ नहीं रखना, आर का मान इसमें फिर क्या रखना है, सिक्स क्यू धन, आगे पाँच रखेंगे तो क्या लिखोगे, जो कि विषम धन पूर्णांक है। अब चाहे बार बार इसको लिखो या ना लिखो, जो कि दो से विभाज्य नहीं है अतः विषम धन पूर्णांक है, दो जो कि दो से विभाज्य है अतः सम धन पूर्णांक है, ऐसे मत लिखो, तब भी ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि क्या है, विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, विषम धन पूर्णांक है, ऐसे लिखते चलो। इतना लिख लिया, अब नीचे आप लिख सकते हो अतः, अतः क्या लिखना है, फाइनल में आंसर लिख देना है, जो भी आपको करना था वही बस लिखो, यदि अतः ना लिखो, यदि लिखो या फिर अतः लिख लो, कुछ भी लिखो, यदि a इक्वल सिक्स क्यू, ध्यान दो सम विषम दोनों अलग करना है, a इक्वल सिक्स क्यू, पहले सिक्स क्यू आया था, फिर सिक्स क्यू वन आया था, फिर सिक्स क्यू धन टू आया था, या सिक्स क्यू प्लस टू कामा सिक्स क्यू प्लस फोर आए तो ये सम धन पूर्णांक हैं, है ना, यही तो हो, तो संख्याएं सम धन पूर्णांक हैं, ऐसा भी कुछ आपके बुक में है, हो तो ये सम धन पूर्णांक हैं, और यदि a इक्वल सिक्स क्यू धन वन कामा सिक्स क्यू धन तीन और सिक्स क्यू धन पाँच आए तो ये विषम धन पूर्णांक हैं, जहाँ q एक पूर्णांक है, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। सिद्ध क्या करना था, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन या सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है, यही सिद्ध करना था। तो लिख दो, अतः सिद्ध हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री या फिर सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है, जहाँ क्यू एक धन पूर्णांक है। समझ गए, फिर से सुन लो पूरा क्या करना है, यहाँ तक लिखे, ये तो पहला स्टार्टिंग था सलूशन, यहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ, ये तो शुरुआत है यहाँ से, यहाँ से नीचे वाला शुरुआत है, यहाँ तक ही है अभी ना, स्टेप बाय स्टेप लिखो समझ में आएगा। यहाँ पे लिखना, यदि a इक्वल सिक्स क्यू कामा सिक्स क्यू प्लस टू कामा सिक्स क्यू प्लस फोर हो तो ये संख्याएँ सम धन पूर्णांक हैं। नीचे यदि a इक्वल सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव हो तो ये संख्याएं विषम धन पूर्णांक हैं। नीचे लिखो, अतः सिद्ध हुआ कि कोई भी विषम धन पूर्णांक, अतः सिद्ध हुआ कि कोई भी विषम धन पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन कामा सिक्स क्यू प्लस थ्री कामा सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है, जहाँ q धन पूर्णांक है। बस इतने तो करना था ना। तो आपका दोस्तों ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो चुका है, या फिर मनोहर प्रकाशन की बुक से देखें तो अभ्यास 1A का क्वेश्चन नंबर सातवां हो चुका है। ठीक है, तो NCERT से क्वेश्चन नंबर दूसरा हो चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आपसे निवेदन है इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। इस तरह से आपको एक एक क्लास मिलती रहेगी, हमारी कोशिश होगी आगे आने वाली क्लासों में आपको इकट्ठा पूरा कोर्स दे दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी बड़ी बड़ी क्लास चलेंगी। ठीक है दोस्तों, हमें ये चाहिए कि आप लोग दोस्तों में इस क्लास को खूब शेयर करिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे आपको पूरा कंप्लीट NCERT मैथ मिलेगा, चाहे आप UP बोर्ड से हो, CBSE या बिहार बोर्ड किसी भी बोर्ड से हो, सबके लिए होगा ये, झारखंड बोर्ड या केरल कर्नाटक दिल्ली मुंबई हर किसी के लिए होगा। आपसे हम तीन चीज़ चाहते हैं, अगर आप इतना करेंगे तो हम चैलेंज देते हैं कि आपको पूरा कंप्लीट मैथ आएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ।
ठीक ना। और आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ऑनलाइन देखना है, यूट्यूब पर डाउनलोड नहीं करना है। अगर कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क करिए, आपको वीडियो दिया जाएगा, नंबर ऊपर दिया गया है। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक साथ जोड़ दिए जाएंगे, अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इतना करेंगे तो विनम्र निवेदन है, बहुत ही कृपा होगी आपकी। और हमारा उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट घर से बैठे हुए हैं, गरीब छात्र हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं कर सकते, वो फ्री देख सकें और आगे बढ़ सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। तो दोस्तों जय हिंद, आज के लिए इतना ही। आपसे निवेदन यही होगा कि वीडियो को खूब शेयर करिए, सभी को शेयर करिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ।